एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। नजर डालते हैं देश विदेश की 10 प्रमुख खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें और अंतिम दौर का मतदान जारी है। इस चरण में 8 प्रदेशों के 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 10 करोड़ से अधिक मतदाता चुनावी मैदान में उतरकर 904 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसके साथ ही बीते 2.5 महीने से चल रही चुनाव की प्रक्रिया अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाएगी। 4 जून को नतीजे सबके सामने होंगे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मैं लोगों से अपील करूंगा कि घर से निकले और जो लोग संविधान आरक्षण और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं उन्हें वोट का चोट देने का काम करें। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में बिहार के नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद में वोटिंग हो रही है। पटना समेत अन्य सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। बिहार की 8 सीटों पर युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, वीआईपी समेत अलग अलग वर्गों के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बख्तियारपुर में मंजू देवी उच्च विद्यालय में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लालू यादव के खिलाफ बीजेपी के चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा ने एक पत्र लिखकर मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत से अवगत कराया है। भाजपा ने कहा कि लालू यादव ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 130 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जो कि प्रतिबंधित एवं दंडनीय अपराध है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश 5 जून को आएगा। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल को कल सरेंडर करना होगा, वो एक बार फिर से तिहाड़ जेल जाएंगे। बिहार में गेस्ट टीचर के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में गेस्ट टीचर को उनके अनुभव को के आधार पर उन्हें अतिरिक्त मार्क्स देने का फैसला लिया गया है। इसके तहत हर एक साल के अनुभव के बदले उन्हें 5 अंक दिया जाएगा। साथ ही आयोग गेस्ट टीचर को अधिकतम 25 अतिरिक्त अंक देगा। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। भारतीय वायु सेना की ओर से एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि AFCAT के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट करियर इंडिया airforce.cdac.in या AFCAT.cdac.in पर 28 जून 2024 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नए यातायात नियमों के तहत ट्रैफिक नियमों को और कड़ा किया जा रहा है। 18 साल से कम उम्र के लोगों पर ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने या उनके वाहन चलाने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी जून महीने में कई नियम बदल रहे हैं। जून महीने में बैंकों की छुट्टियां, आधार कार्ड में अपडेट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में परिवर्तन होने वाले हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ब्रिटेन से 100 टन यानी 1,00,000 किलो से ज्यादा सोना वापस भारत लेकर आई है। 1991 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जब RBI ने विदेश में जमा इतने बड़े पैमाने पर सोने का भंडार निकाला हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2024 में RBI के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेशों में जमा था। बॉलीवुड डीवा जानवी कपूर और राजकुमार राव काफी सुर्खियों में हैं। दोनों स्टार्स अपनी हालिया रिलीज फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही को लेकर लाइमलाइट में हैं। फिल्म इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। शरण शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म रोमांटिक और स्पोर्ट्स ड्रामा के साथ मिली जुली समीक्षाएं दिखी गई है। फिलहाल रिलीज के बाद फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है। फिल्म ने उम्मीद से बढ़कर कमाई की है। मिस्टर एंड मिसेज माही ने पहले दिन 7 करोड़ की कमाई की है। फिलहाल देश विदेश की 10 प्रमुख खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।